एसएसबी ने सीमा क्षेत्र में शुरू की सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम। एसएसबी की पहल पर डीआईजी शिव दयाल ने सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस अवसर पर एसएसबी नंबर 17 बटालियन के कमांडर संजय त्रिपाठी मौजूद थे। इसकी शुरुआत गुरुवार की सुबह फालाकाटा में एसएसबी नंबर 17 बैरक की गई। यह अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में 100 एसएसबी जवान भाग ले रहे हैं। भारत भूटान से लगी सीमा की रक्षा एसएसबी कर रही है। एसएसबी के डीआईजी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों के साथ मिलकर बेहतर तरीके से काम करना है। नमस्कार, ये हम अभी 17 बटालियन के प्रांगण में खड़े हैं, तो जो कि जलपाईगुड़ी सेक्टर के अंदर आता है, और जलपाईगुड़ी सेक्टर में 4 बटालियन, 17 बटालियन 53, 34 एंड 46, तो भूटान बॉर्डर पे ये डिप्लॉयड हैं। और आपको पता ही है कि भूटान हमारा फ्रेंडली कंट्री है और कहीं से भी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब हम हमारे जवान बॉर्डर पे तैनात रहते हैं तो अक्सर उनका पब्लिक से इंटरेक्शन होता है। तो अब अभी आज जो हम कोर्स चला रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल पे कोर्स है, तो हमारी ये अपेक्षा है कि ये कोर्स इसलिए चला रहे हैं कि हमारे लड़कों को, हमारे जवानों को, अफसरों को सिचुएशन बड़े सॉफ्ट तरीके से डील करने के में इनको परफेक्टनेस मिलेगी, ताकि जो भी लोगों से इंटरेक्शन होता है अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ और अपनी ड्यूटी में फर्मनेस दिखाते हुए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। ये वर्कशॉप जो है एक हफ्ते की वर्कशॉप है, आज से मतलब 6 वर्किंग डे हैं, आई थिंक 54 पीरियड्स हैं टोटल, एक पीरियड 40 मिनट्स का है, तो एक हफ्ते के लिए है। इसमें हमारे बेसिकली फ्रंटियर पूरे फ्रंटियर की जितने भी यूनिट्स हैं, फ्रंटियर जो है वो आईजी कमांड करते हैं और उनके अंडर 3 सेक्टर्स होते हैं, एक सेक्टर के अंदर जो है 4 बटालियंस होती हैं, सभी बटालियन और सेक्टर उनमें से उनके एसओज, कुछ एसओज और कुछ ओआरस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कलेक्टिवली आई थिंक इट विल बी मोर देन 100।